कराहल पुलिस की नशे के खिलाफ निरंतर कार्यवाही जारी। खबर कराहल से है, जहां आज पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कराहल निवासी एक व्यक्ति को 54 लीटर शराब के साथ पकड़ा है और अपराधी पर आबकारी एक्ट के तहत 34(2) का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सब इंस्पेक्टर पीएस यादव ने हमसे बात करते हुए बताया कि पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि अवैध शराब का कारोबार कराहल क्षेत्र में चल रहा है, उसी के तारतम्य में ये कार्यवाही की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को देखते हुए कराहल के भाजपाइयों द्वारा थाने पहुँच कर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। क्या मामला है सर, आज क्या कार्रवाई कराहल थाने द्वारा की गई है? बॉर्डर चेकिंग के दौरान आज रिंकू उर्फ पप्पू कुशवा निवासी कैलाश कॉलोनी कराहल से 54 लीटर शराब कच्ची हाथ भट्टी की बनी जब्त की गई है। बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि ये शराब के धंधे में लिप्त है, इसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या सर FIR की गई है सर, क्या अंकित किया गया है? इससे 54 लीटर शराब जब्त की गई है। ये कार्रवाइयाँ सर अब क्या निरंतर जारी रहेंगी सर? हाँ, जैसे ही सूचना मिलेगी और नशाखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में चल रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराहल थाने द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है नशे के खिलाफ, उसके एवज में ये कुछ बीजेपी के नेता आए हैं जी, आभार व्यक्त करने आए हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के, इनसे मिलकर जानेंगे क्या मामला है। जी क्या नाम है आपका? युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हो कार्रवाई के ऊपर? कार्रवाई ये कहना चाहता हूँ कि जब से हम देख रहे हैं हमारे PS यादव भाई साहब द्वारा बहुत ही अच्छा क्या किया जा रहा है, स्मैक वालों को, दारू शराब वालों को, खाने वालों को बार बार पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, बहुत अच्छा क्या किया जा रहा है। और पूरे क्षेत्र में इतना शांति का माहौल है, इतनी खुशी की माहौल है कि कुछ पूछो मत ही। क्या कहना चाहते हो आप? बहुत अच्छी पुलिस, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है, नशे के निरंतर मतलब अच्छी पकड़ कर रही है। अभी 54 लीटर शराब पकड़ी, 34 लगाई, बहुत अच्छी अच्छी मतलब यह केस से क्या अपराधी और गुंडे बदमाश हम, बहुत अच्छा है ये PS यादव सब, बहुत अच्छा कार्य। और क्या कहना चाहती हो पुलिस के बारे में आप? पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहले क्या है, इसमें वालों से लोगों का इतना डर हो गया था, घर से बाहर नहीं जा रहे, जगह चोरी हो जाती, जगह चोरी हो रही थी, किसी कोई परेशानी आ रही थी। पर लेकिन अभी जो एक महीने से जब से ये पूरा नशा का अभियान चला है, जब से हमारे PS यादव जी द्वारा और कराहल पुलिस द्वारा इतना कार्य किया जा रहा है कि कोई भी किसी का भी पता चलता है पूरे क्षेत्र में कहीं भी, तो वो जाकर उसको ले आते हैं और जेल भेज देते हैं। और बेचने वालों को तो ऐसा हड़कंप मचा हुआ है, तो कराहल में आज की स्थिति में कहीं पे नहीं मिल रही है इसमें, दारू भी बंद है, गांजा भी बंद है, सब कुछ बंद है। कराहल पुलिस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और हमारे प्रेम सिंह भाई साहब द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और पूरे पुलिस स्टाफ भी समझते हैं।